ये देखो 253 का बज रहा है, बट ये ऑर्डर लेना है चांदनी चौक से, सब करना है पिकअप। ये देख रहो, हो ओहो कितने दबा के ऑर्डर आ रहे हैं भाई। यहाँ पे एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो, हेलो, फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओनली बाइक टैक्सी। तो भाई साहब चलते हैं फटाफट फील्ड में और आज देखते हैं बाइक टैक्सी में कितनी अर्निंग होगी। बिना किसी देरी के आईडी करते हैं घर से ऑनलाइन और घर से ही राइड लेकर निकलेंगे। फालतू जाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, क्योंकि बाइक टैक्सी कर रहे हैं। लो भाई कर रहे हैं, 11:25 हो रहे हैं। सबसे पहले अपना ओला ऑनलाइन कर दें, ओला में अपना इंसेंटिव है तो भाई वो मिल जाता, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। देखो जो हमारा पेमेंट होती है ना लास्ट डे की, वो नेक्स्ट डे अकाउंट में चली जाती है। जैसे मेरे कल के 193 थे, वो मेरे अकाउंट में चले गए जो वॉलेट में रहते हैं। बाकी भाई ये कर दिया मैंने ऑनलाइन। ओ भाई कितनी तगड़ी बाइक बनी जा रही है ऊपर, डिसमिस। ये लो भाई ओला हो गया अपना ऑनलाइन, और साथ में अपना उबर ऑनलाइन करते हैं। वैसे तो ओला बच जाता है तुरंत, बाकी भाई दोनों को ही रखो क्योंकि बाइक टैक्सी कर रहे हो तो अभी फिलहाल ये दोनों बेस्ट हैं, बाकी सब टाइम वेस्ट हैं। ये हो गया हमारा उबर भी ऑनलाइन। अगर टाइम देखोगे 11:26 तो पहली राइड जैसे आती है, मैं उसके साथ में टाइम और पैसे वैसे सब दिखाता हूँ भाई आपको। ये देखो सीआर पार्क की राइड आ रही है 69 की, ले ली भाई। 700 से पिकअप दिखा रहा था, तो फटाफट चलते हैं पिकअप करने और उबर को कर देते हैं बंद क्योंकि हमारे पास ओला में आ गई है राइड। भाई मैंने 26 पे दिखाया था आपको टाइम, 28 दो मिनट के अंदर राइड आ गई मेरे पास में भाई, और एक मिनट के अंदर कैंसिल भी हो गई। अरे यार भाई आई भी कैंसिल भी हो गई। चल कोई नहीं, कुछ अच्छा ही लिखा होगा अगर कैंसिल हो गई राइड, तो कुछ मतलब कमाल का ही आने वाला है अब। वैसे राइड तो आई गई थी, बाकी वेट करते हैं फिर। भाई अब निकल रहा हूँ घर से, बोला था ना कुछ अच्छा ही आएगा। 100 की राइड आई है मेरे पास जीके की, और मीटर की रीडिंग देख लो आप, 5282 चली हुई है, और एंड में देखेंगे कितनी चलती है। फटाफट करने चलते हैं पिकअप, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कोई भी कभी भी कैंसिल मार देता है राइड को, मन मर्जी के मालिक होते हैं ना सब, तो कैंसिल कर देते। तो फटाफट चलते हैं, फ़ोन भी आ गया वही लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। अच्छा हो रहा है, मैं 25 पे देख रहा हूँ, 26 पे खड़े हैं। ठीक है बैठो, हाँ बैठ जाओ। ये लोग इधर से निकल रहे हैं पीछे सनी बाजार की साइड से ही, वो ही सही है, देवली से होते हुए निकल जाएंगे ना, फिर उधर से टर्न ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, अंदर से निकल जाएंगे। चलो ठीक है भाई, कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और ट्रिप को करते हैं एंड, और देखते हैं भाई साहब। ऑनलाइन पेड है, और भाई इसमें बहुत बड़ा एक तरीके से रूट दिखाया था 10 का, बट मैंने लिया भाई शॉर्टकट और मैंने मैप किया बंद अपना, और मैं चुपचाप निकल गया भाई। 10 दिखा दिया, पूरे 100 दे दिए। अगर तरीके से दिखाऊँ ना तो भाई लगभग 6.5 मेरी बाइक चली है, क्योंकि 82 मैं निकला था, आपको पता होगा 82 पे निकला था, और अभी 88 हो रहे हैं, तो भाई लगभग 6.5 के 100 ले लिए तरीके से। मैप बंद करके आया हूँ, इसलिए मैप खुला रहता तो फिर पैसे कट जाते भाई मेरे। भाई ओला की राइड ड्रॉप करने के बाद में मैंने देखा मीटर फ्यूल का, मैं तेल तो है नहीं बाइक में, मैं सीधा पेट्रोल पंप पे भाई तेल वेल डलाया, उसके बाद में मैंने खोल लिया भाई पोटर भी साथ में। मैंने बोला भाई करना तो है ही सब कुछ, बाइक टैक्सी तो हमारा मेन फोकस है, वो पोटर अगर बजा तो मार देंगे, नहीं तो साइड में खुला रहने दो। इतने में बज भी गया 119 का मेरे पास में, मालवीय नगर से बसंत बिहार में 6-7 आ रहा है, 120 दे रहा है, 24 काटेगा लगभग, दे देगा 96 7 के समथिंग के। तो मैंने भाई एक्सेप्ट कर लिया, ये रखा, केक लेके जा रहा हूँ मैं, आइसक्रीम है नरोलास से। मैं बोला भाई चलो कर लेते हैं बसंत बिहार से राइड, बच जाएगी अगर यहाँ से नहीं बज रही तो, क्योंकि बारिश का मौसम है आज, बारिश कभी भी पड़ सकती है, कभी भी घर भागना पड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने भाई पकड़ लो जो आ रहा है ले लो। तो फटाफट करते हैं इसको ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया ये ऑर्डर। वैसे मुझे ऑर्डर तो दिखाने नहीं था ये कुछ खास, क्योंकि मैं तो बाइक टैक्सी का मैन है, फिर भी मैं सोचा यार फिर बीच में बोलोगे यार इतनी देर बीच में कहाँ गायब हो गए थे, तो इस चक्कर से मैंने दिखा दिया। जो बोल रहा था वही हो गया भाई, देखो बारिश आने लगी, सड़कों पे दिख रही है। अबे यार
मौसम कितना खतरनाक है भाई, देख रहे हो बारिश पड़ने लगी इधर। मैं पेड़ की छाया में बैठा हूँ इधर थोड़ी सी देर। यार ये बड़ा दिक्कत है यार, बिन मौसम के बारिश हो रही है यार फालतू में। तो भाई बारिश आ गई थी तो मैंने ऊबर में पैकेज ले लिया है GK1 का, ये खाना लेके जाना है। तो अभी मैं ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा निकाल के मैंने रख लिया बैग में, क्योंकि भीग जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। फटाफट चलते हैं ड्रॉप करने और मोबाइल वोबाइल को सबको जेब में रख के चलते हैं। पर डिलीवर हो चुका है पार्सल और ऑनलाइन पेड था, तो देखते हैं कितने पैसे देता है ऊबर हमें। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था इसका, जो कि भाई मैंने पूरा कोई शॉर्टकट नहीं लिया क्योंकि ऊबर पैकेज में अगर शॉर्टकट लेते हैं तो पैसे कटते हैं, तो इसलिए मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। इधर खड़ी अपनी बाइक और 123 रुपये दे दिए भाई 11 किलोमीटर के ऊबर ने, भाई साहब कमाल कर दिया। ट्रिप हिस्ट्री दिखाता हूँ पूरी, देखो आपको आपके सामने सारी, कोई हिडन नहीं, यहाँ डिस्टेंस दिखेगा 11.5 किलोमीटर दिख रहा है, 34 मिनट लगे और 123 रुपये दे दिए भाई ऊबर ने, मज़ा आ गया। फिर से खोल लेते हैं, यहाँ पे बारिश रुक गई एक तरीके से, देखो पड़ नहीं रही है, तो फिर ओला वोला खोल लेते हैं। मौसम ख़राब होने से फ़ायदा भी हो गया एक, क्योंकि अब ऑर्डर ना बज रहे हैं, राइडरों ने आईडी बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे भाई बारिश वारिश में फंस जाएंगे। ये भाई बड़ा बाज़ार रोड कश्मीरी गेट का ऑर्डर ले लिया मैंने 228 रुपये का, जमरतपुर से पिकअप करने जा रहा हूँ, पास में था मैं, GK में ही छोड़ा था मैंने। देखो अबे कैसे उड़ के दिखा रहा है ये भाई, ये रहा 500 मीटर से पिकअप है, फटाफट पिकअप करने चलते हैं फिर लेकर चलते हैं पार्सल को। भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, अब इसका एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। 228 का ऑर्डर था ये, 228 का था ना, 17 किलोमीटर है भाई, 34 मिनट लगेंगे भाई, इतना कम टाइम, और 2 किलोमीटर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जब मैं शॉर्टकट लूँगा ना भाई, एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ से जब मैं लूँगा ना शॉर्टकट तो ये और कम हो जाएगा भाई। चलो फटाफट चलते हैं डिलीवर करने। भाई पार्सल तो हो गया है डिलीवर, बट यार फिर से बारिश आ गई यार, देख रहे हो। अब मुझे ना यहाँ से अपना एक चक्कर बना के चलना है, एक ऑर्डर लेके तो नहीं जाऊँगा भाई, मैं दो ऑर्डर लेके जाऊँगा यहाँ से, एक पोटर का और एक बोर्जो का, बोल दूंगा भाई साहब बारिश पड़ रही है, देखो देख रहे हो, और यहाँ से उल्टे सीधे ऑर्डर बजेंगे, तो मेरे को ध्यान रखना है मैं जहाँ पर हूँ, मुझे चाबीगंज से ही ऑर्डर पिकअप करना है। चल बे भाई, नहीं 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 छूना नहीं है, बड़ा ही ऑर्डर लेके निकलना है यहाँ से, अब हटाने तो हटा देता हूँ इस ऑर्डर को। ये देखो 253 का बज रहा है, बट ये ऑर्डर लेना है चांदनी चौक से, देख रहे हो, नहीं तो ये ऑर्डर मेरी तरफ का था साउथ दिल्ली का, मैं ले लेता, बट चांदनी चौक से पिकअप है तो इसलिए इस ऑर्डर को हटाओ मत लो भाई, फंस जाऊँगा, बहुत गंदा फंसूँगा, चांदनी चौक का ऑर्डर नहीं, सिर्फ चाबीगंज और दूसरा बड़ा बाजार रोड, यहीं से ऑर्डर एक्सेप्ट करना है पिकअप। ये देख रहो हो कितने दबा के ऑर्डर आ रहे भाई, बारिश के मौसम में भाई पोर्टर की हालत ख़राब हो जाती है ऐसे एरिया में, तो भाई रुकता ही नहीं है, देखो धनाधन ऑर्डर बज जाएंगे यहाँ पर, धनाधन अब बहुत सारे ऑर्डर मिस लगे यहाँ पे, एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो हेलो, फिर देखो नहीं चाहिए भाई, अब ये बज रहा है चाबीगंज से, चाबीगंज में ही मैं हूँ और चाबीगंज से बज रहा है पश्चिम बिहार का, ले लेता हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में पश्चिम बिहार से भी मुझे ऑर्डर आराम से मिल जाएगा, ले लेता हूँ, है ना, ले लो भाई, चलो यार ले लेता हूँ, ये ले लिया भाई, देखो चाबीगंज से पिकअप है और देखो ये सही हो गया ना, पास से पिकअप है, नहीं तो फंस जाता मैं इधर उधर के ऑर्डर में, इसमें मिनट लगेंगे 5 या 7 मिनट, और दूसरे कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करता तो मुझे जाता 15-15 मिनट, देखो 4 मिनट लगेंगे, फटाफट चलते हैं इसको पिकअप करने। जब मौसम ख़राब होता है ना तो भाई बोर्जो की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये देखो कोई ऑर्डर नहीं उठाता बोर्जो के अंदर, ये देखो भाई कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं बोर्जो के अंदर, बट मेरे रूट का कोई नहीं है तो भाई मैं, अरे नहीं नहीं टैग मत हो जाना, टैग होगा 150 रुपये कट जाएंगे फालतू में, भाई सिंगल ही ऑर्डर मार देता हूँ पोर्टर का, कोई रूट का ऑर्डर नहीं मिल रहा भाई। भाई डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं कितने किलोमीटर दिखा रहा है, देखो पार्सल छोटा ही था बट सेफ्टी के लिए मैंने बड़े डब्बे में डलवा लिया बारिश से भीगने से बचने के लिए। 15 किलोमीटर के भाई 54 मिनट दिखा रहा भाई ये, ओ भाई साहब कितना गंदा जाम लगा है, और कहाँ लगा है दिख तो है नहीं रहा कहीं पे। चलो फटाफट करते हैं कंप्लीट इसको। भाई बारिश हो गई है बहुत तेज, इधर देख सकते हो भीग गया हूँ, और मेरी हालत भी देखो कपड़ों की पूरा इस तरीके से, ये देखो पूरा भीग गया हूँ भाई, मैं तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा भाई बारिश रुक जाएगी ना तब निकलूँगा, क्या फ़ायदा भाग के, मुझे पूरे कपड़े वपड़े सारे गीले हो गए, देखो पानी देख रहे हो, अरे यार भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर, भाई मौसम नहीं खुलने वाला तो अब मैं कहीं के भी उल्टे सीधे ऑर्डर नहीं लूँगा, अपने साउथ दिल्ली के ऑर्डर ही लूँगा 5 स्टार रेटिंग के साथ में, इसको करता हूँ कंप्लीट।
देखो 208 मिनट का टाइम लगा था, ऑर्डर तुरंत बजेगा यहाँ से इधर उधर इधर उधर के, पर नहीं लेना, साउथ दिल्ली का ही लूंगा भाई ऑर्डर, अब मुझे लेना ही नहीं। अगर तो मेरी हालत देखोगे ना भाई, ये देखो पूरा है सब कुछ मेरा लगता, देखो ये बज रहा तुरंत, भाई छूंगा ही नहीं मैं तो, मिनिमाइज करो और हटाओ, सब ऑर्डर हटाते रहो, लूंगा ही नहीं मैं भाई, साउथ दिल्ली का ही ऑर्डर लूंगा, रुकी नहीं रही बारिश, देखो पूरा भीग गया हूँ, कपड़े वपड़े सब भीग गए पूरे, देखो हेलमेट ये टांग रखा मैंने साइड में। ओ यूसुफ सराय, ओ ये रहा यूसुफ सराय, ये आ जा, ये ले लूँगा यूसुफ सराय, अरे भैया यही तो लूँगा ऑर्डर मैं, यूसुफ सराय, जिया सराय, ये सराय वो सराय, ये तो लूँगा मैं, ये देखो भाई तुरंत दूसरा ऑर्डर ही अपनी तरफ से मिल गया, बढ़िया मिल गया भाई ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये आ गई मौज, इंस्टामार्ट से डिस्टेंस कितना पिकअप का भाई है, पिकअप का डिस्टेंस भाई है भाई पास का ही हो गया 2.2 किलोमीटर भाई, चलो कोई नहीं चलते हैं पिकअप, घर तो जाना ही है अब भाई, पार्सल हो चुका है पिकअप, बैग के अंदर रख लिया इसमें, और अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितने किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि भाई घर ही निकलना है, 295 के समथिंग का ऑर्डर है, 295-96, और इसका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर भाई, ये देखो देख रहे हो 22 किलोमीटर, और दूसरा रूट भी दिखा रहा है, देखते हैं इस रूट पर कितना दिखाएगा, 24 किलोमीटर नहीं भाई 22 वाले लो, और मैप को करके ऑन, जेब में रख के, ठीक है समझ गया, पूरा देख लिया मैंने कहाँ कहाँ, अब जेब में रखो और इसकी सुनते रहो, ये कहेगा लेफ्ट राइट सुनो इसकी, और निकलो यहाँ से सीधा घर। भाई पार्सल हो चुका है डिलीवर, 5:56 हो रहा है, आईडी भी सस्पेंड कर देगा मेरी, करने दो यार, अब ये देखोगे पूरी बाइक की हालत कितनी गंदी हो गई है, आईडी को ऑफलाइन कर लेता हूँ भाई, ऑफलाइन नहीं हो रही, ऑर्डर बजने वाला है, देखो ऑफलाइन नहीं हो रही भाई, हो ना हो मुझे कौन सा काम करना है, ऑफलाइन हो वो ऑफलाइन हो, अब कर ही नहीं रहा है, देख रहा ऑफलाइन नहीं कर रहा मेरी आईडी, हट मत कर मैं निकल रहा हूँ घर भाई, भीग गया पूरा। तो भाई आज तो भाई मौसम ने ऐसी की तैसी करा ली, नहीं तो भाई साहब आज तो अर्निंग मुझे लगता काफी अच्छी हो जाती, बाकी भाई जो किस्मत से बढ़कर तो कोई कुछ ले जा ही नहीं सकता, जो हमारी अर्निंग 12-12 घंटे में होती थी वो आज हमारी 7.5 घंटे के अंदर हो गई। भाई टोटल अर्निंग की बात करते हैं, मेरी पोर्टर के अंदर अर्निंग हुई 695 के समथिंग, उबर में 123 रुपए और ओला में 104.5 रुपए, तीनों की अर्निंग मिलाकर 918 रुपए की हो गई, जिसमें आज मेरी बाइक चली कितनी चली 95 किलोमीटर बाइक चली, जिसमें 170 रुपए के समथिंग का पेट्रोल लगा होगा, तो लगभग 750 रुपए बचे आज मुझे 7 घंटे काम करके। भाई बहुत अच्छा दिन रहा, वैसे बाइक टैक्सी हमारा कंटिन्यू रहेगा, हमें बाइक टैक्सी ही करना, बाकी आज मौसम खराब हो गया तो बारिश में तो भाई कोई जाएगा नहीं बाइक पे, तो इस चक्कर से मुझे पोर्टर खोलना पड़ा, बाकी काम पोर्टर में ही हो गया, बाकी करते रहेंगे आगे बाइक टैक्सी, क्योंकि ज्यादातर मैंने जितने भी कमेंट पढ़े सभी का यही है कि भाई मेरे 5 घंटे में कुछ काम नहीं हुआ, मेरे पूरे दिन में 400 रुपए काम हुआ, उम्र 500 रुपए, मतलब बहुत बुरा हाल बता रहे बाकी राइडर, बाकी मौसम खराब था तो काम हो गया पोर्टर में, बाकी हम करेंगे आगे भी बाइक टैक्सी। तो इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।